सो हेलो फ्रेंड, दिस इज सूरज और आज वीडियो में हम लोग बात करेंगे AKTU के जो इस बार एग्जाम होने वाले हैं दोस्त, वो ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होने वाले हैं, MCQ बेस्ड एग्जाम होने वाले हैं। तो अभी हमें पता ये नहीं चल पा रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगा, MCQ आएंगे तो आएंगे कैसे, इन सब चीज़ों के बारे में ही हम बात करने वाले हैं कि MCQ आप कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपने डिस्क्रिप्टिव पेपर दिया है दोस्त, पेन पेपर से एग्जाम दिया है, चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे आपको नई मिल रही हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और पिछले साल भी एग्जाम हुए थे फाइनल ईयर वालों के, तो हमने बहुत सारे वेबसाइट बताई थी, तो उसमें काफ़ी बच्चों का फायदा हुआ, तो इस बार भी हमने सोचा कि क्यों ना आपके लिए भी वीडियो बनाया जाए। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे गूगल पे आना है और यहाँ पे सिंपली आपको टाइप करना है सेंट फाउंड्री, ठीक है। हमने ऑलरेडी यहाँ पे टाइप कर रखा है दोस्तों, यहाँ पे सेंट फाउंड्री हम टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद से ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका जो क्रोम है वो डेस्कटॉप मोड में होना चाहिए। अगर आप मोबाइल में खोल रहे हैं तो, लैपटॉप में खोल रहे हैं तो डेस्कटॉप मोड ही होता है, ठीक है। यहाँ पे आप डेस्कटॉप मोड कर लीजिएगा यहाँ पे क्लिक करके। चलिए हम आगे बात करते हैं। आपको यहाँ पे sendfoundry.com के मेन वेबसाइट पे आना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं sendfoundry.com और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, हर तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको होम पेज मिलता है, उसके बाद से ब्रांच वाइज MCQs मिल जाते हैं, ब्रांच दिए गए हैं जैसे कि प्रोग्रामिंग, CSIT, IS, ECE, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, मेटलर्जी और माइनिंग, इस तरीके से सारा ब्रांच आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, MCA, BCA, तो ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम आपको डेमो के लिए थोड़ा सा दिखा देते हैं कि किस तरीके से ये वेबसाइट वर्क करता है। तो यहाँ पे ब्रांच वाइज जो कि MCQs हैं, यहाँ पे चलिए हम अभी फिलहाल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की देख लेते हैं किस तरीके से आपको क्वेश्चन वगैरह देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बस हम डेमो के लिए दिखा रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, आपका जो ब्रांच होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्वेश्चन एंड आंसर, यहाँ पे जो भी यहाँ पे मटेरियल पड़े हैं उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट के बारे में बताया जाता है। तो हम नीचे जाएंगे इसी तरीके से, तो यहाँ पे आपको बुक्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जो भी आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो भी बुक लगते होंगे यहाँ पे सारा बुक देखने को मिल जाएगा। तो मान लीजिए कि हमको चाहिए हीट ट्रांसफर के हमको MCQs प्रिपरेशन करने हैं, तो यहाँ पे आपको सिंपली हीट ट्रांसफर पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं हीट ट्रांसफर क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हीट ट्रांसफर के बारे में थोड़ा सा बताया गया होगा कि क्या चीज़ें हैं और MCQ जो है इसमें किस तरीके से हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब कि कंटेंट समझ सकते हैं कि कंटेंट है। और नीचे जाएंगे तो हमको टॉपिक वाइज यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो जो चैप्टर्स हैं दोस्त, यहाँ पे चैप्टर वगैरह दिया गया है, टॉपिक दिया गया है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे मान लीजिए हमको यहाँ पे डिफिनीशन एंड बेसिक कंसेप्ट चाहिए, इसके बारे में MCQ चाहिए, ठीक है, हीट ट्रांसफर के बारे में। तो यहाँ पे हम डिफिनीशन एंड बेसिक पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे फिर हमको टॉपिक मिलता है कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर और या क्लियर ऑन स्टडी हीट ट्रांसफर के बारे में। चलिए हम मान लीजिए कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में चाहिए, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद से हमारा जो है कि MCQs यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा हम आपको जूम कर देते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया है और यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, और यहाँ पे व्यू आंसर पे क्लिक करके इसके आंसर को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर मिल जाता है और बहुत सारे MCQs मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट कोई ब्रांच लेकर के देखते हैं और उसके बारे में हम थोड़ा सा डेमो देख लेते हैं, समझ लेते हैं। फिर हम यहाँ पे आएंगे ब्रांच वाइज पे MCQs में, और यहाँ पे चलिए हम मान लीजिए कि CSIT के लिए हम चलते हैं। CSIT में हम IT के लिए चलते हैं क्योंकि पिछले साल जो हमने वीडियो बनाया था उसमें CS के बारे में बताया था। थोड़ा सा आपको इसको चलाने में प्रॉब्लम हो सकती है शुरुआती दौर में, क्योंकि ऐड बहुत ज़्यादा आते हैं और चीज़ें थोड़ी सी समझ नहीं आती हैं, तो आप 2-3 दिन चलाएंगे तो आप इजीली समझ सकते हैं। तभी हम हैं IT के बारे में, तो अभी हम IT की ब्रांच के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो IT में हम यहाँ पे जाएंगे, नीचे जाएंगे तो हमारा सब्जेक्ट वगैरह टॉपिक दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले हमको यहाँ पे जो भी इसके सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट हमको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह है, तो चलिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट है कोई, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट के बारे में हम MCQ देखते हैं। तो यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है, कोई सब्जेक्ट है। और इसके बारे में हम नीचे आएंगे, टॉपिक इसके बारे में बताया गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में मान बेसिक चाहिए, बेसिक के बारे में यहाँ पे हमको MCQ चाहिए। बेसिक में भी यहाँ पे 3 टॉपिक दिया गया है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड और यहाँ पे है कि सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हम इसके बारे में MCQ हमको चाहिए, इसके बारे में हम MCQ चाहिए, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप MCQ देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे MCQ दिया गया है क्वेश्चन फर्स्ट, और क्वेश्चन फर्स्ट के यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और व्यू आंसर क्लिक करके आप यहाँ पे आंसर को देख सकते हैं, और पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे आंसर दिया गया है, ठीक है।
तो इस तरीके से आप अपना प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं। हर ब्रांच का यहाँ पे दिया गया है, हर सब्जेक्ट का दिया गया है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता है, कोई ब्रांच यहाँ पे नहीं मिलता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट बॉक्स में आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं और इस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाएं तो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।